मकर संक्रांति के दिन भी बहुत सी बाधाएं किसी पर छोड़ी जाती हैं, तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, अपनी नेगेटिविटी छोड़ी जाती है। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे बहुत सी परेशानियों से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज के वीडियो में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ आपको जानकारी मिलती है जीवन दर्शन से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित और रीति रिवाजों से संबंधित और छोटे मोटे टोने टोटकों से संबंधित। इसका जो आधार है अंधविश्वास नहीं है, इसका जो आधार है हमारे प्राचीन धरोहर, हमारा प्राचीन ज्ञान, हमारा शकुन शास्त्र, बड़े बुजुर्गों द्वारा जीवन का अनुभव। तो वही बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन फिर भी निवेदन है, यदि आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं तो वीडियो तुरंत बंद कर दीजिए, आपके काम का कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप मुझ में, ज्योतिष में, भारतीय परंपराओं में विश्वास करते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत काम का है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। मकर संक्रांति के दिन अक्सर लोग पतंगे लूटते हैं। आपको बता दूं मैं कि पतंगे लूटने से नेगेटिविटी घर में आती है। कई लोग पतंगों को, लूटी हुई पतंगों को इकट्ठा करते हैं और उन पतंगों को इकट्ठा करके पूरे साल भर संभाल के रखते हैं कि अगले साल उसको उड़ाएंगे। ये पतंगे घर में एकत्रित करके भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। शगुन की एक पतंग रख सकते हो आप, लेकिन सड़क पर भाग भाग कर पतंग लूटने से नेगेटिविटी क्रिएट होती है। और कितने घरों की पतंगे, कितने घरों की नेगेटिविटी आपके हाथ में आ गई है आपको नहीं पता होता। तो कभी भी लूटी हुई पतंग जो होती है उसको संभाल कर नहीं रखना चाहिए। लूटी हुई पतंग को थोड़ी देर उड़ाएं और फिर उसको छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप पतंग पर अपनी विश भी लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। यदि आप किसी समस्या से बहुत लंबे समय तक जूझ रहे हैं तो काले रंग की एक पतंग लीजिए। काले रंग की पतंग पर कोई भी जो प्रॉब्लम है जिससे आप परेशान हो रहे हैं वो लिख दीजिए और उसको आप थोड़ा सा लंबा करिए और अपने ही हाथों से, दूसरे के हाथों से कटवाना नहीं है, उसको तोड़ दीजिए। ऐसा करके 7 काली पतंगें अगर आप आसमान में छोड़ देते हैं तो आपके घर की सारी अला बला और सारा उतारा हो जाता है। इसके अलावा आप रात्रि के समय जो लाइट वाली पतंग उड़ाई जाती है वो लाल रंग की पतंग ले लें और उसके ऊपर भी अपनी इच्छा लिखें। इच्छा काली पतंग पर तो अपनी परेशानी लिखनी है और लाल पतंग पर अपनी इच्छा लिखनी है कि आप जीवन में क्या चाहते हो। और लाल पतंग जो है, जो रात को दीपक जला के उड़ाई जाती है, उसको जरूर आप उड़ाते उड़ाते 7 बार अपनी इच्छा को दोहराएं। तो ऐसा करने से जो आपकी इच्छा है बहुत ही जल्दी पूरी होती है। संक्रांति के दिन काले तिल और इसका दान दिया जाता है, लेकिन आपको ये दान भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। यदि कोई सुहाग की सामग्री के साथ में ये सब सामग्री देता है खाने पीने की, तो फिर भी ग्रहण करें, अन्यथा नहीं करना चाहिए। जिसका शनि भारी होता है वो तिल अगर किसी से लेगा तो उसकी परेशानियाँ ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जिसका सूर्य खराब है, यदि वो गुड़ लेता है, किसी से गुड़ के बने हुए लड्डू लेता है, तो सूर्य उसका और ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों का बेसिकली उसको दान करना है, ये चीज़ें उसको किसी से भी लेनी नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा तो टोने टोटके आप पे प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा जो दाल की तली हुई पकौड़ी होती है वो भी किसी से फ्री में नहीं खानी चाहिए, वो भी एक तरह का उतारा ही होता है और लोग अपनी अला भला इसके ज़रिए उतारते हैं। हाँ, अगर आप अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं तो बदले में अगर आप उनके लिए भी कुछ लेकर जाते हैं और फिर उनके घर पर आप खा लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने किसी के घर कुछ खाया है तो वहाँ पर कैश कुछ पैसा जरूर उनको देकर आएँ, गिफ्ट भी दे सकते हैं, नहीं तो पैसा ज़रूर उनको देकर आएँ और मन में ये सोचें कि जो आपने खाया है उसका मूल्य आपने चुकता कर दिया। ये बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन आज के संदर्भ में जब व्यक्ति तरह तरह से आहत हो रहा है, परेशानी का शिकार हो रहा है, डेली हमारे पास बहुत सी कंसल्टेंसी आती है जिसमें मुख्य रूप से जो समस्या है वो तंत्र बाधा, किया कराया या टोना टोटका ही होता है। तो इनसे बाधा पाने का मैं तरीका बता रही हूँ कि आपको किसी का भी कुछ भी खाने से कर्जा चढ़ता है, ये चीज़ समझ लीजिए। यही कारण है कि आप अगर किसी के घर कुछ खाते हैं तो वहाँ पर कुछ मिठाई या गिफ्ट स्वयं भी जरूर लेकर जाएं।